जी नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अरविंद टाइम्स। वैशाली लोकसभा जो कि गणतंत्र की जननी मानी जाती है, वैशाली लोकसभा की सियासी समीकरण क्या है, वैशाली लोकसभा की राजनीतिक समीकरण क्या है, वैशाली लोकसभा के जो भूमिहारों का क्या प्रभाव रहा है, इसी मुद्दे पर हम आपसे बात करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी अपडेट होगा सबसे पहले हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे। इस वीडियो को पूरी पूरी देख लीजिएगा। आपको बता दें कि भूमिहारों का दबदबा कब से कब तक रहा है, वही हम बात कर लेते हैं आपसे। भूमिहारों का दबदबा 1984 में जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी रही किशोरी सिन्हा जी, और किशोरी सिन्हा जी पार्लियामेंट चुनाव जीत के गए पार्लियामेंट में। उसके बाद भूमिहार का प्रभाव जो 1989 में रही जो कि उषा सिन्हा जनता दल के सिंबल पे चुनाव जीती, और जनता दल के चुनाव जीतने के बाद किशोरी सिन्हा के बाद यहाँ पे आरजेडी का यह परंपरागत सीट माना जाता है। आरजेडी के उसके बाद से परंपरागत सीट हो गई। तो आरजेडी से कौन प्रत्याशी थे, तो रघुवंश सिंह थे। वो रघुवंश सिंह का कार्यकाल कितना था, तो वह उनका कार्यकाल 1996 से लेकर 2009 तक रहा, यानी 5 बार यहाँ के सिटिंग एमपी रहे। और उसके बाद जो है वह उसको मोदी शाह की, जब मोदी शाह की एंट्री होती है तो 2014 में कौन बनता है प्रत्याशी, तो रामा किशोर सिंह, जो कि वह लोजपा के खाते में आता है और रामा किशोर सिंह प्रत्याशी होते हैं। रामा किशोर सिंह प्रत्याशी के बाद 19 में बीना सिंह बनी, लोजपा के प्रत्याशी बनी, और उन्होंने रघुवंश सिंह को हराया, 2,34,584 वोटों से हराया। उसके बाद मुन्ना शुक्ला का कार्यकाल कब कब रहा, तो मुन्ना शुक्ला का कार्यकाल रहा कब कब, तो मुन्ना शुक्ला यहाँ से 2000 ईस्वी में लालगढ़ से विधायक बने, निर्दलीय विधायक बने। उसके बाद लोजपा से विधायक बने फरवरी महीने में, और उसके बाद नवंबर में चुनाव हुई और नवंबर में चुनाव जदयू से जीते। जदयू से जीतने के बाद ब्रज बिहारी की हत्या होती है, और ब्रज बिहारी की हत्या होने के बाद मुन्ना शुक्ला जेल चले जाते हैं, और जेल से आने के बाद मुन्ना शुक्ला निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद उनको वोटों की जो संख्या होती है वह लगभग 2,56,000 वोट मिलता है। उसके बाद उनको जदयू टिकट देता है, और जदयू टिकट के बाद उनको जो वोटों की मत होती है वह होता है 2,63,000। तो यही है वैशाली लोकसभा की पूरा समीकरण। तो कैसा लगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, अगले वीडियो में अगले खबर के साथ। धन्यवाद।